ओनली एंकर पार्ट। हरदोई पुलिस ने एक बार फिर गोतस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनके पास से पुलिस ने 9 गोवंश सहित 1 फॉर्च्यूनर कार बरामद की है। इसी को ध्यान में रखते हुए जहां पर मुल्लावा और कासिमपुर पुलिस गोवंश और गोमांस की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए मुस्तैद नजर थी, इसी को ध्यान में रखते हुए मल्लावा और साथ ही में कासिमपुर पुलिस गोवंश और गोमांस की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए इलाके में मुस्तैद थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि ओम साई बालाजी महाराज इंटर कॉलेज के पास में सुरेश मिश्रा के बाग में कुछ लोग गोवंशों को पकड़कर इकट्ठा कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि बाग में कुछ गोवंश बंधे हुए हैं, साथ ही 3 व्यक्ति गोवंश को पकड़कर इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस ने बिना अपनी मौजूदगी दर्शाए 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया है और जिन्होंने पूछताछ बताया है कि मेंबर इस्लाम और उनके साथी हाजी और उसके लड़कों के संपर्क से गाड़ी मालिक शाहबुद्दीन और साथ ही में शमीम अन्य गाड़ी मालिकों से गोवंशों को बिहार और अन्य राज्यों में बिक्री के लिए भेजते थे। इसके लिए गोवंश लादने वालों को 25,000 और वाहन मालिक को 90,000 मिलते हैं। आरोपियों ने पूछताछ बताया है कि 30 अक्टूबर और 1 नवम्बर को थाना क्षेत्र मल्लावा और साथ ही में कासिमपुर में गोवंश लदे हुए जो कंटेनर पलटे थे, वह हाजी और उसके साथियों ने ही वाहन मालिक शाहबुद्दीन और साथ ही में समीम और अजय दिवाकर के साथियों के माध्यम से बिहार भेजे जा रहे थे और उसी में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रामपुर के अब्दुल इंतजार हुसैन, साथ ही में शाहबाद के अखलाक पुत्र लतीफ, साथ ही में जौनपुर के शाहबुद्दीन उर्फ साबू और कानपुर के मोहम्मद समीम पुत्र सलीम को जेल भेज दिया है और जिनके पास से पुलिस ने 9 गोवंश सहित 1 फॉर्च्यूनर कार बरामद की है, जिसमें पुलिस ने बताया है कि यह आरोपी राजस्थान के घुमंतू प्रजाति के लोगों से गोवंशों को एकत्रित करते थे और उन्हें ट्रकों में भरकर गोवंशी करने के लिए गोकशी के लिए बिहार और अन्य राज्यों में ले जाते थे, जिसमें पुलिस ने अभी तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी संख्या में गोवंश, नकदी, अवैध असला, साथ ही में गोकशी में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और नकदी बरामद की गई है। SP राजेश द्विवेदी ने बताया है कि अभी तक गो तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो भी गो तस्करी की वारदात में लिप्त होगा उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए आरोपियों में शाहबुद्दीन और फुसाबू गैंगस्टर एक्ट में वांछित हैं और वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुका है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद में कुछ गोश्त तस्करी की घटनाएं पाई गई थी, उसी क्रम में इससे पूर्व जो ये गाय गोवंश इकट्ठा करते थे और गाड़ियों में भरते थे, उस गैंग के लगभग 23 लोग को पकड़ के जेल भेजा गया था। जनपदी पुलिस को आगे भी कार्रवाई के लिए बताया गया था, खासतौर से उन लोगों पर जो कि इनको वाहन सप्लाई करते थे। इसी क्रम में थाना कासिमपुर क्षेत्र में कल रात्रि में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जो कि कुछ गोवंश इकट्ठा कर रहे थे। इसमें से 2 रामपुर के हैं, 1 हरदोई का ही है। उनके पास से 9 गोवंश बरामद हुए। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक कानपुर नगर का है और 1 जौनपुर का है, जो कि इनको गाड़ी सप्लाई करते थे। ये भी पता लगा कि गाड़ियां इनको पशु देने के एवज में लगभग इनको 25-30 हज़ार और गाड़ियों का किराया लगभग गाड़ी मालिक को 80-90 हज़ार मिल जाता था। इसमें से एक व्यक्ति जो जौनपुर का है शहाबुद्दीन, ये गाड़ी के लिए पैसा इकट्ठा करके दूसरे के नाम से खरीदता था ताकि उसके ऊपर सीधे इल्ज़ाम ना आए। यह भी ज्ञात हुआ है कि विगत में वह राजनीति में भी रह चुका है। इसके विरुद्ध करीब 18 मुकदमे हैं और वो जौनपुर का हिस्ट्री शीटर है। सर, ये लोग पशु ले जाकर कहाँ ले जाते हैं? जितनी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है कि बिहार में किसी स्थान पर ले आते थे। अभी इन गाड़ियों के ड्राइवर और एक गाड़ी के अन्य मालिक का अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है, तभी इसका पूरा खुलासा होगा। कुछ बरामद की हुई है? आज तो 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी और 9 गोवंश बरामद हुए हैं।